अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? आज हम लोग आज़ाद कश्मीर के टूर पे जा रहे हैं। ये गाड़ी है, सामान लोड हो रहा है, हम कसूर शहर से रवाना होने लगे हैं। ये हमारे सारे दोस्त खड़े हुए हैं, 15-20 लोग हैं तकरीबन जो हम जा रहे हैं। तो मौसम भी बड़ा सीन है, आप देखें बादल भी हैं। ये दक्की अड्डा है जहाँ से हम जाने लगे हैं। इंशाल्लाह साथ साथ आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। ये व्यूअर मगरब का टाइम है, जाने लगे हैं। तो सब दोस्त जो हैं नमाज मगरब अदा करने लगे हैं, वजू कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर निकलेंगे। मगरब की नमाज अदा कर लिए सारे दोस्त, अब गाड़ी में बारी बारी बैठ रहे हैं, इंशाल्लाह जाने लगे हैं। इस वक्त हम जो है लाहौर पहुंच चुके हैं, तकरीबन 9 का टाइम हो गया है, 9 PM। तो अब हम जल्दी से हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। ये क्रॉस करने लगे हैं, कराएंगे मुजफ्फराबाद। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे पहुंचते जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, जैसे आपको दिखाते जाएंगे खूबसूरत अच्छी अच्छी जगहों पे, वैसे वैसे आपको भी हम अपने साथ रखेंगे, व्लॉग दिखाएंगे। ये हमारा आज़ाद कश्मीर का टूर है, सीरियल नंबर 1 आप देख रहे हैं। ये दोस्त गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, ये बेरा के मकाम पे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है, आप देख सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड पे सबसे पहले राह बेकरी आएगी, उसके बाद ये उसकी बैक साइड पे ये मस्जिद है। ये व्यूअर इस वक्त हम 12 को पे खड़े हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। ये हम 12 को पे खड़े हुए हैं, सारे दोस्त चाय वगैरह पी रहे हैं। ये भाई जो है पराठे बना रहा है बड़े स्टाइल से, आप देख सकते हैं। कैफे खड़े हुए हैं कोटा दीना कैफे पे, भाई जो पराठे बना रहे हैं, ऊपर आपको पहले दिखाया है, ये उनका बेसमेंट का मंजर है। ये भाई चाय बना रहे हैं और ये रेस्टोरेंट का अंदरूनी मंजर है। बड़ा अच्छा सेटअप है, बहुत मज़े की चाय है इनकी। कभी आप लोगों का भी इधर
चक्कर लगे तो यहाँ से जरूर पीना। ये इधर आलू वाला पराठा कहाँ है? आलू वाला पराठा। हाँ भाई। और कहाँ तो? नीलम पहाड़ पे आया है तो गुजर रहे थे हम, जा रहे थे मुजफ्फराबाद की तरफ, तो यहाँ लोगों ने कहा ये क्या नाम है हमारा जो पॉइंट है, हमें बहुत मजे का लगा है, बहुत प्यारा है, एंजॉय का माहौल है, तो इस जगह पे हम जो है बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, हम अपना काम करेंगे, खाने पीने का कुछ बनाएंगे। तो यहाँ फिर हमने सोचा हम नाश्ते में आलू की भुजिया बनाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमारा यहाँ किचन कुचन तो कोई है नहीं, तो लेकिन हमारा जो है माहौल देसी सा माहौल है, तो हमें वो बहुत पसंद आई जगह। आप देख सकते हैं सारे हमारी चारों तरफ पानी पानी है, हर तरफ वाटर ही वाटर है, दरियाओं के दो दरियाओं का पानी मिक्स हो रहा है। यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, आलू की भुजिया बनाई है, आटा भी गूंद लिया है, तो इंशाल्लाह मान करीब ही जो है नाश्ता करेंगे बना के। इस जगह पे राउंड करना है, बड़ी दूर दूर तक जाना है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हम भी सैर कर रहे हैं और साथ इंशाल्लाह आपको भी करवा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको भी अगर कभी मौका मिला तो इस शहर का विजिट करना, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये रिवर साइड, ये दरिया नीलम है और ये जो है ना एक और दरिया है। ये जी अमीन भाई अपने हाथों से जो है ना माशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, ये जी चेक कर सकते हैं। लोग जो हैं दोस्त पराठे ले रहे हैं खाने के लिए। हाँ जी, ये भी वो दोस्त जो हैं दरिया नीलम के किनारे बैठ के मजे से नाश्ता कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाईजान कुछ आप कमेंट दें कैसा बना नाश्ता, मजा आ रहा है दरिया नीलम के किनारे बैठ के नाश्ता करने का? अपना ही मजा। हाय हाय हाय। तो व्यूअर आप भी इस तरह आउटिंग पे जाया करें, शहर के लिए जाया करें, तो साथ अपना किचन लेके जाया करें, एंजॉय का एंजॉय और मजे के मजे। ये दूसरे बाकी जो दोस्त हैं ये इंतजार कर रहे हैं अभी। व्यूअर हमने नाश्ता बनाया, मॉर्निंग का किया, बड़ी अच्छी जगह थी, बड़ा अच्छा पॉइंट था, साथ दरिया भी था, एक साइड पे सुबह पंजाब की हदूद थी, दूसरी साइड पे जो है KPK की थी और जो तीसरी साइड है वो आज़ाद कश्मीर की थी। तीनों कोने पे दरमियान पे हम बैठे हुए थे, वहाँ पे नाश्ता बनाया और दरिया का एंजॉय किया। अब हम आगे जा रहे हैं नीलम की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको और भी मज़ा आएगा हमारे भी लोग देखने का। तो प्लीज़ जल्दी से हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे आपको भी आपको भी हम अपने साथ रखेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये माशाल्लाह देखो कितने खूबसूरत पहाड़, हरियाली आपको नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुंच कर, हमारा स्टे करने का प्रोग्राम है नीलम में, नीलम में जाकर रूम वगैरह लेंगे, वहाँ रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, नाइट वहाँ गुजारेंगे, तो फिर आगे के टूर की तैयारी करेंगे। अगली मॉर्निंग हम वहाँ से आगे जाएंगे। ये हमारा वॉल्यूम 1 मुकम्मल होगा, आगे हम आपको लेकर चलेंगे वॉल्यूम 2 में, उसमें भी सैर करवाएंगे। एक नई सुबह नेक तमन्नों के साथ।